नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज चैनल। मैं हूं राजू शर्मा और हमारे साथ जेल अधीक्षक मौजूद हैं एचबी सिंह जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आपसे हम यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद, अयोध्या, ये सारी चीज़ों को लेके लोगों के बीच बड़ी चीज़ें हो रही थी कि ऐसे रखिए वैसे रखिए, कुछ कैदी ऐसे भी जो जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आए हैं और बंद हैं, उनका क्या रुझान है उसके प्रति जो ऑर्डर आया हुआ है? इस निर्णय से जेएनके के बंद डिटेन्यू भी बेहद खुश हैं और उन्होंने इस मामले में हमसे व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में आकर मिलने की इच्छा जाहिर की। मैंने उनको परमिट किया, आए और उन्होंने व्यक्त किया कि सर, ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ। मैंने पूछा कि निर्णय तो अच्छा हुआ लेकिन किस संदर्भ में आप कहना चाहेंगे, तो उनका यही कहना था कि इसमें हम की जीत हुई, मैं नहीं रहा जी। उनका ये कहने का तात्पर्य था कि यहाँ से हिंदू, मैं से माँ से मुसलमान, कि हिंदू मुस्लिम का विजय हुआ, राष्ट्र की एकता की जीत हुई जी। इससे उनकी बातों से ये लग रहा है कि जबरदस्त हार्मनी की भावना पूरे देश में फैली हुई है और कोई भी इस फैसले से असंतुष्ट नहीं है, सब में बेहद खुशी है। उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर की कि सर, इस मौके पर हमें मिठाई चाहते हैं, खाना, हमने उनको मिठाई भी मंगवा खिलाई। तो ये देखा गया कि इस निर्णय से पूरा इस देश का हर व्यक्ति खुश है, न कोई अलगाववादी रह गया है, न कोई हिंदूवादी, न कोई मुसलमानवादी, सब हिंदुस्तानवादी, भारतवासीवादी हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या यहाँ पे एक चीज हम आपसे भी जानना चाहेंगे, 370 को लेके इन लोग के बीच क्या विचार, क्योंकि हम तो उनसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, आपसे एक दो बार मुलाकात होती होगी, तो उसमें भी उन्होंने कुछ अपने विचार रखे होंगे? हाँ, हम उस वक्त दौरान भी गए, मैं गया, वो हाई सिक्योरिटी बैरक रखे गए हैं, उनसे मैंने वार्ता किया और कि आपको किसी प्रकार की परेशानी या और कोई, इसलिए जानना मैं वहाँ भी विशेष रूप से गया कि इसकी प्रतिक्रिया मैं जानूँ कि इनके अंदर क्या है जी। वो लोग उस वक्त भी बहुत खुश थे, उन्होंने ये कहा जी कि सर, ये 370 आर्टिकल वास्तव में हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान किया, इसके द्वारा हमको इस अपने देश से ही में ही अलग नागरिक समझा जाने लगा था और कहीं ना कहीं हमको यूज किया जा रहा था, हमें अन्य देशवासियों के साथ एक होने के लिए जी। आज अब इसके बाद हम पूरे देश में कहीं भी सेवा देने के लिए सक्षम है और हर देशवासी जम्मू एंड कश्मीर को भी सेवा देने में सक्षम है। धन्यवाद सर। और इससे ये सबसे बड़ी बात हुई कि हमारे अंदर जो कुछ है कट्टरपंथी ताकतें अलगाववादी प्रवृत्ति पैदा करने की कोशिश कर रही थी, वो बिल्कुल उनका सफाया हो गया। हाँ, मतलब जिस तरीके से बाहर एक तरीके से लोग राजनीति की बात करते हैं या इस तरीके की बातें करते हैं कि मस्जिद का ये हो गया वो हो गया, यहाँ पे एक हम की भावना है। आप ये भी सोच लीजिए कि कश्मीर से भी जो भी यहाँ पे अलगाववादी यहाँ पे कैद हैं उनके अंदर भी हम की भावना है, तो हम फिर क्यों पीछे रहे प्रयागराज से? मैं राजू शर्मा, अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रयागराज से।